आर्टिफिशियल यानी कि वो जो नेचुरल नहीं मैनमेड हो, इंटेलिजेंस ही यानी कि दिमाग यानी कि सोच, इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, यानी कि वो दिमाग जो इंसानों ने बनाया हो इंसानी काम करने के लिए, मगर एक इंसान द्वारा नहीं एक कंप्यूटर द्वारा। मान लो एक ऐसा AI हो जो आपके एडिटिंग को स्पीड कर दे, एक ऐसा AI हो जो आपके इमेज की क्वालिटी को बढ़ा दे, एक ऐसा AI जो म्यूजिक से म्यूजिक को अलग एंड वॉइस को अलग कर दे, एक ऐसा AI जिसको आप बस कुछ कीवर्ड्स लिखो एंड आपके सामने वो एक पिक्चर एक इमेज रेडी करके दे देगा। मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे वेबसाइट जिन्होंने मेरे माइंड को ब्लो कर दिया एंड आई एम श्योर आपके माइंड को भी ब्लो कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा वेबसाइट है मिडजर्नी। मिडजर्नी एक ऐसा AI वेबसाइट है जहाँ पे आपको बस आपके दिमाग में जो थॉट है जो सीन है उसको आप बस टेक्स्ट पे लिखोगे, वो आपके सामने एक पिक्चर रेडी कर देगा। कैसे करता है वो आइए जानते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं मिडजर्नी पे। यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपको डिस्कॉर्ड अकाउंट चाहिए होगा, तो चलिए एक डिस्कॉर्ड अकाउंट बना लेते हैं। बना लिया, ओके। अब डिस्कॉर्ड पे चलते हैं एंड हम डिस्कॉर्ड पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे आ गए हो एंड यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन देगा। आपको यहाँ पे लिखना है /imagine प्रॉम्प्ट आ गया। अब चलिए इस पर कुछ थॉट्स लिख के देखते हैं कि ये क्या इमेज बनाता है। एंटर करते हैं। द मोमेंट आप एंटर करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड आपके सामने इमेज रेडी होगा। देखते हैं ये क्या बनाता है। एंड बाय द वे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस आ रहे हैं, ये इमेजेस मेरे जैसे और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बना रहे हैं कुछ बेसिक टेक्स्ट के साथ एंड उसके सामने एक इमेज रेडी हो रहा है। चलिए देखते हैं हमारा इमेज कितना बना है। ये बन रहा है हमारा इमेज, तो देख रहे हो गाइस विद सम सिंपल टेक्स्ट के साथ हमने ये चार वर्जन बना लिया है। जब भी आप कुछ टेक्स्ट लिखोगे मिडजर्नी आपको एक नहीं आपको चार वर्जन देगा। अब इस चार वर्जन को आप और भी मॉडिफाई कर सकते हो। आइए देखते हैं कि और मॉडिफाई करने पे ये क्या रिजल्ट देता है। देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है, version 1, 2, 3। अब इसको अपग्रेड करने का ऑप्शन है इसमें। चलिए सबसे पहले हम version 2 को लेते हैं, तो अपस्केल 4 करते हैं। गाइस ये उसका फाइनल रिजल्ट है, देख रहे हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है ये, और इसे हमने बनाया सिर्फ कुछ कीवर्ड से। तो गाइस कैसा लगा मिडजर्नी मुझे कमेंट पे जरूर बताओ। तब तक हम चलते हैं अपने दूसरे वेबसाइट की ओर। बाय द वे अगर आपको ये इमेज देखना हो या आपको ये इमेज चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो, मैं ये इमेज वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ गाइस चलते हैं हम अपने दूसरे वेबसाइट की ओर जो आपके माइंड को ब्लो कर देगा। तो गाइस दूसरा वेबसाइट है Runaway ML, और इस वेबसाइट में आप लाइव एडिटिंग कर सकते हो। आपको बस अपने फुटेजेस को यहाँ पे लेके आना है, उसके बाद आप एक के बाद एक फुटेज डाल के यहाँ पे एडिट कर सकते हो। बट हम यहाँ एडिट की जगह कुछ और करेंगे, कुछ VFX टाइप से काम करेंगे। अब इस इमेज को हम कट करते हैं इस बैकग्राउंड से, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्लिक करना है ग्रीन स्क्रीन पे। गवर्नमेंट आप ग्रीन स्क्रीन पे क्लिक करोगे इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब आपको बस इसे कट करना है। कट करने के लिए सिंपली आपको माउस को की करना है, हर एक जगह में टैप करना है, जहाँ जहाँ आपको मास्क करना है उसे बताना है। द मोमेंट आप देख रहे हो मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये यहाँ पे मास्क रेडी कर रहा है। ये सब्जेक्ट को पूरी तरह से ट्रैक कर चुका है। अब बस हमें यहाँ पे डन मास्क पे क्लिक करना है। द मोमेंट आप वहाँ क्लिक करोगे अब देखोगे इस वेबसाइट ने इस कैरेक्टर को बैकग्राउंड से रिमूव कर दिया विद सम सिंपल क्लिक्स। अब देख रहे हो पूरा बैकग्राउंड कट है। अब क्या कर सकते हैं, आप इसके पीछे हम एक टेक्स्ट डालते हैं। देख रहे हो गाइस टेक्स्ट आ गया आपके बैकग्राउंड के पीछे। अब हम इसके टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं। चलिए एनिमेट कैसे करते हैं देखते हैं। एनिमेट करने के लिए आपको टेक्स्ट वाले लेयर पे राइट क्लिक करना है एंड आपको वहां पे एनिमेट का ऑप्शन आएगा। आपको यहां पे डिफरेंट वर्जंस मिलेंगे एनिमेट करने का। मैं ये फेड वाला ऑप्शन को क्लिक करता हूं एंड प्ले करके चेक करते हैं। तो देखा गाइस विद सम सिंपल क्लिक्स आप यहां पे एडिटिंग कर सकते हो, VFX कर सकते हो, टेक्स्ट एनिमेशन भी कर सकते हो, है ना माइंड ब्लोइंग। चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड वेबसाइट की ओर जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट म्यूजिक से वोकल पार्ट को और म्यूजिक पार्ट को अलग करता है। चलिए उसके लिए फिर हम चलते हैं एक और वेबसाइट की ओर जिसका नाम है voicerimoval.org। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे बस एक ऑडियो प्लेस करना है, तो इस ऑडियो को इस वेबसाइट में हमें बस ड्रॉप करना है, कुछ नहीं करना आपको बस ड्रॉप करना है। देख रहे हो गाइस विद इन अ सेकेंड इसने वो कर दिया। अब देख रहे हो
मैं आपको सबसे पहले ओरिजिनल ट्रैक सुना देता हूँ इसका। ओरिजिनल ट्रैक है ये। तो देखा, ये था ओरिजिनल ट्रैक। अब देखते हैं इसकी एआई ने क्या किया। ये है म्यूजिक, देख रहे हो आप, यहाँ पे सिर्फ म्यूजिक का लेवल अप है। अब प्ले करके चेक करते हैं। अब देखते हैं, सिर्फ हम वॉइस को अप करते हैं, म्यूजिक को डाउन करते हैं, क्या होता है। स्टार्टिंग से प्ले करते हैं। Go, hustle hard, hustle every single day. Oh my I'll be God. Making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Mind blowing, guys, mind blowing. ये तीनों websites like epic है, epic. आपके background से म्यूजिक को हटा दिया एंड वोकल पार्ट को रखा है। तो गाइस देखा ये कितना हैंडी है आपके लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो हो या कोई ऐसा ऑडियो हो जिसपे आपको कॉपीराइट पड़ गया हो यूट्यूब पे, आप उसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, जिसमें से आपका वॉइस पार्ट अलग हो जाएगा एंड म्यूजिक पार्ट अलग हो जाएगा। तब आप कोई कॉपीराइट फ्री म्यूजिक डाल के इसे अपलोड भी कर सकते हो। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर किया था। बाय द वे ये वेबसाइट बहुत ही ऑसम है। मैं ये तीनों वेबसाइट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं इन डेप्थ बताऊंगा कि आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट पे जरूर बताना। मुझे जरूर बताना ये तीनों वेबसाइट के बारे में कि आपको ये तीनों वेबसाइट कैसा लगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के और भी AI वीडियोस मैं जल्दी लाने वाला हूं अपने चैनल पे। टिल देन मिलता हूं आपसे अगले वीडियो पे। बाय बाय। Go, hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.